जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन पूरा काफिला पूरा जमाना होता है। और ये बिल्कुल सही बात है, आप कभी अभी आजमा लेना, अगर आप मार्केट जा रहे हो फिर कहीं पर भी जा रहे हैं ना, आप देखना अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप अपने मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आप बहुत देरी से पहुंचेंगे। और एक बात, अब बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप ये भी देख लो, अगर आप कभी भी अकेले जा रहे हैं तो पूरी दुनिया आपको बुराई करेगी, रोकेगी, टोकेगी, लेकिन अगर आपका वो रास्ता सही है और आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप अगर उस मंजिल को पा लेते हैं तो एक दिन जिस रास्ते पर आप अकेले थे और आपको दुनिया पीछे से गाली दे रही थी, आज देखेंगे वही दुनिया आपके पीछे चल रही है। तो अकेले चलिएगा, लेकिन याद रखिएगा अकेले चलने के साथ साथ उसमें आपको पूरा 100% फोकस रखना है ताकि आप सभी का जवाब दे पाओ और आप अपने मंजिल तक पहुंच पाओ। और क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी सक्सेस की 98 चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ सक्सेस की 98 के टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहां से भी आप लोग जुड़ सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। और मॉक टेस्ट की आप कहां से दे सकते हैं, तो सक्सेस की 98.net के वेबसाइट से, हालांकि लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को। और आज कवर करने वाले हम लोग 17 जुलाई की इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, उसके पहले अपने क्लास का टाइमिंग देख लो ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। मैथ का क्लास बहुत जन बोलता है मैथ क्लास होने के बाद, भैया मैथ का क्लास आज नहीं हुआ, मैं बार बार बोलता हूं टाइमिंग याद रखिए, टाइमिंग पर एक बार आप चैनल को ओपन करके ज्वाइन कर लो अगर आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि मीडिया की स्वतंत्रता पर वैश्विक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है, यानी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया फ्रीडम हेल्ड इन विच सिटी आपको बोलना है, और वो है आपका लंदन। कहां पर हुआ है, ये लंदन में हुआ है, ठीक है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि लंदन का कैपिटल ये जो लंदन है वो किसका कैपिटल है, तो वो कैपिटल है आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है, तो वो होती है पाउंड स्टर्लिंग। वहां के पीएम प्रधानमंत्री कौन है, तो थ्रेसा में, हालांकि उन्होंने रिजाइन दे दिया और उन्होंने ये भी बोला जब तक नए पीएम चुने नहीं जाते वो पद संभाली रहेंगी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हुसैन मोहम्मद इरशाद का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और हुसैन मोहम्मद इरशाद जो थे वो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। और बांग्लादेश के पीएम कौन है प्रेजेंट में, तो वो है आपका शेख हसीना। कैपिटल क्या है, ढाका। और मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है वहां पर, टाका। नाम मिल रहा है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है WBC इंटरनेशनल वेल्टरवेट 2019 का खिताब किसने जीता है, और ये है क्या भैया, ये बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, ठीक है। और ये खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा ये खिताब जीता है आपका आमिर खान, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये बहुत अच्छे बॉक्सर है, इन्होंने ये खिताब जीता है 2019 का इंटरनेशनल वेल्टरवेट चैंपियनशिप, याद रखिएगा, क्वेश्चन स्पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, RBI ने हाल फिलहाल में 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है किस बैंक के ऊपर, आपको बताना है क्यों लगाया है, क्योंकि धोखाधड़ी जोखिम प्रबंध और धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग का पालन नहीं किया गया उस बैंक के द्वारा। और वो बैंक कौन है, वो बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। और SBI का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है आपका मुंबई में। और उस बैंक का टैगलाइन क्या है, उस बैंक का हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन है, तो उस बैंक का टैगलाइन क्या है, विथ यू ऑल द वे प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स द नेशन बैंक ऑन अस, ठीक है, ये उस बैंक का टैगलाइन है। अच्छा, एक पॉइंट और मैंने यहां पर छोड़ दिया है, और एक बात याद रखिएगा, SBI के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, वो है आपका रजनीश कुमार, ठीक है, ये याद रखिएगा। हालांकि आज मैंने इनका नाम नहीं लिखा है, लेकिन डेली क्लास में मैं जब भी SBI का बात उठता है तो मैं लिखता हूं ताकि आपके ये सब टॉपिक आपका पानी की तरह क्लियर हो, जो अलग से पॉइंट बन रहा है, और क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में आपके। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया,
यानी IFF ठीक है का स्वर्ण जयंती सस्खड़ंग कहां आयोजित किया गया है, और ये आपका जो किया गया है आयोजित ये किया गया आपका कहां पर, पानाजी, यानी गोवा का कैपिटल है पानाजी में इसका आयोजन किया गया है। और पानाजी यानी गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, कैपिटल पानाजी, गवर्नर कौन है वहां पर, मृदुल सिन्हा। ये सब पॉइंट तो आपको याद रखना है किसी भी कीमत पर, लिख कर लेना, लिख कर ले लो, 3-4 क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट सुबह 4:30 बजे वाले क्लास में करवा रहा हूं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जिन्होंने मेलबर्न लाट्रोप विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है उनका नाम क्या है, और ये उपाधि किनको दिया गया है, कौन सा उपाधि, तो मेलबर्न लाट्रोप विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, और ये उपाधि प्राप्त करने वाले उनका नाम क्या है, उनका नाम है शाहरुख खान, आप सभी को पता है बॉलीवुड अभिनेता है। और जो ये मेलबर्न उपाधि दिया गया है वो किस देश का है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या, कैनबरा। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहां के प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्कूली बच्चे में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है, उस मिशन का नाम क्या है ये आपको बताना है, ताकि जितने भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हो ना उनको हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी जाए। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, और ये कौन से मिशन के अंडर आपका काम किया जाएगा ताकि सारे बच्चों को जो है वो बताया जाए हेल्थ के बारे में। तो मिशन का नाम दिया गया शक्ति, ऑप्शन नंबर ए शक्ति नाम दिया गया है, मिशन का नाम याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया वो भी याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले मैं आपको वो समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है ना, आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल में जितने भी इमरजेंसी वार्ड होते हैं, ठीक है, उसमें उसके जितने भी फैसिलिटी है उसको बहुत अच्छे से बेहतर बनाने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ठीक है। उस स्कीम का नाम क्या है, उस स्कीम का नाम दिया गया लक्ष्या, ऑप्शन नंबर बी, देख लेना पहला और दूसरा ऑप्शन बहुत मिल रहा है लेकिन अंतर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में क्यों है, ऑप्शन नंबर ए में के है, आपके एग्जाम में दोनों मिलेगा लेकिन आपको टिक मारना है ऑप्शन नंबर बी में, याद रखिएगा। ये स्कीम क्या बोलता है, ये स्कीम ये बोलता है जितने भी इमरजेंसी वार्ड होते हैं आपके हॉस्पिटल में ना, ऑपरेशन थिएटर मान लो या फिर लेबर रूम जहां पर एक आपका मरीज अकेला उस रूम में सोया रहता है, वो सब जितने भी इमरजेंसी अवार्ड है हॉस्पिटल में उसको बहुत बेहतर बनाया जा सके ताकि मरीज को जो है वो पूरी सुविधा मिल सके, ठीक है। उसके लिए एक स्कीम स्टार्ट किया गया, उस स्कीम के तहत सारा काम किया जाएगा, उस स्कीम का नाम है लक्ष्य, और उसमें लक्ष्य में आपका क्यू है ना कि के, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या दिया गया है, इसको बोला गया है शॉर्ट में तो इसको बोला गया लक्ष्य, लेकिन नाम दिया गया है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दुनिया की सबसे बड़ी हीरा खदान उसका नाम क्या है, अर्गल डायमंड माइन 40 साल से अधिक समय तक परिचालन में रहने के बाद बंद हो रहा है, ये जो खदान है वो किस देश में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़कर लग रहा होगा अपने आप में कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, दुनिया की सबसे बड़ी हीरा खदान उसका नाम क्या है, अर्गल डायमंड माइन जो 40 साल से अधिक समय तक परिचालन में रहने के बाद अब ये बंद हो रहा है, ये खदान कहां पर स्थित है, तो ये खदान है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पॉइंट मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन बता ही दिया है कि वहां के सीएम स्कॉट मॉरिसन है, जो वहां का राजधानी है वो कैनबरा है, और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, जापान को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जापान से आगे निकलेगा, यहां पर ना जो ट्रांसलेट हुआ है वो गलती हो गया, यहां पर ना इंडिया होगा, भारत किस
वर्ष में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जापान से आगे निकल गया, निकल जाएगा, आपको बताना है वो सन ये है 2025 में टारगेट रखा गया है कि इंडिया जो है वो जापान से इकोनॉमी के मामले भी आगे निकल जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए अभी जो है वो यूके को यानी ब्रिटेन को भारत जो है वो पीछे छोड़कर दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, ठीक है, इकोनॉमिक के मामले में यूके को पीछे छोड़कर। और ये टारगेट रखा गया है कि 2025 तक जो भारत है वो जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी देश बन जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी जापानी सेन और वहां के राष्ट्रपति शिंजो एबे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गीता दास नोसादा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, यानी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जो गीता नास, यहां पर गीता दास हो गया है, यहां पर गीता नास होगा, हिंदी ट्रांसलेट गलती है, गीता नास नौसदा होगा, ठीक है। और इन्होंने शपथ ली है आपका लिथुआनिया, ठीक है। और आपका पहला क्वेश्चन ही आज का है, आपको बताना है कॉमेंट कर कि इस देश का राजधानी क्या है और इस देश में जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो क्या होता है, यानी करेंसी और कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, ठीक है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल में निम्नलिखित में से थाईलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन की मानद फेलोशिप से सम्मानित किसे किया गया है, उनका नाम बताना है। और उनका नाम है आपका पी रघुराम, ऑप्शन नंबर ए। और थाईलैंड का करेंसी क्या है? थाई बट। कैपिटल बैंकॉक। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है आपका प्रायुत चैन ओचा। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है बंगाली फिल्म का नाम बताना है जिसने जो 9 एडिशन का सार्क फेस्टिवल हो रहा है यानी 9वें संस्करण सार्क उत्सव के 9वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सहित 4 पुरस्कार, यानी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पहला, दूसरा सर्वश्रेष्ठ निदेशक यानी डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ एक्टर यानी अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर जीता है। ये चारों पुरस्कार जो है ये फिल्म जीता है। उस फिल्म का नाम क्या है? उस फिल्म का नाम है आपका नगर कीर्तन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चन 17 जुलाई के, पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दिया हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, शॉर्ट मॉक टेस्ट देना है तो successkey98.net से। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।